हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो इन सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम थियरी, इन लास्ट सेशन वी हैव गॉन थ्रू दी मैथमेटिकल मॉडल। सो इन दैट वी हैव सीन दी फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स टू करंट एनालॉजी इक्वेशन। ओके, कि मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैकेनिकल में हमारे पास दो सिस्टम है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिस्टम। सेम में भी इलेक्ट्रिकल में भी हमारे पास वोल्टेज फॉर्म में एंड करंट फॉर्म में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स टू करंट एनालॉजी। सो आज इन दिस सेशन वी विल सी सम एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि भाई मैकेनिकल सिस्टम आपको दिया होगा उसको आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, सो एग्जाम्पल बी लाइक दिस। एग्जाम्पल मोस्टली आते हैं एग्जाम्पल, तो किस तरह होते हैं एग्जाम्पल भी लाइक दिस। फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम यू हैव टू ड्रॉ द मैकेनिकल नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, देन राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट। सो हियर इट्स गिवन ड्रॉ द फोर्स टू वोल्टेज नेटवर्क। सो यहां हमें खाली फोर्स टू करंट नेटवर्क में ही जाना है, फोर्स टू वोल्टेज नेटवर्क में नहीं जाना है। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, तो नेटवर्क मैकेनिकल सिस्टम हमें दिया हुआ है, ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम है। अब इसको हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो देयर आर सम स्टेप, कि भाई थोड़े स्टेप है कि किस तरह हम फॉलो करेंगे। तो दिस आर द सम पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि भाई स्टेप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन से जस्ट सी कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ नोड, आपको नोड डिसाइड करने हैं, कि नोड के बेस पे ही इक्वेशन डिफाइन होगी, कि भी एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है। ओके, अब नोड कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नोड डिपेंड कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितने है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक्स एक ही डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें एक ही नोड आएगा। अगर यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया हुआ है, देन यू हैव अ टू नोड। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल डिसाइड द नोड एंड नोड डिसाइड योर इक्वेशन। So, यहाँ एक ही नोड है तो एक ही एक ही डिस्प्लेसमेंट है तो एक ही नोड आएगा। देन मास हैव अ वन डिस्प्लेसमेंट, मास का एक ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेयर एज स्प्रिंग एंड डैम्पर हैव मोर देन वन, मींस टू डिस्प्लेसमेंट मे बी देयर। यहाँ तो एक ही डिस्प्लेसमेंट है पर आगे एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें मोर देन वन डिस्प्लेसमेंट इज देयर। ओके, देन यू हैव टू ड्रॉ दी नोड्स एंड कनेक्ट दी एलिमेंट, आपको नोड ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू कनेक्ट दैट एंड यू हैव टू राइट दी इक्वेशन। फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी है, सेम वे फोर्स टू करंट एनालॉजी जो भी दिया हुआ है। फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई KVL KCL। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल, कि भाई ये सिस्टम आपको दिया हुआ है। ओके, सो हियर यू कैन सी कि भाई ये सिस्टम में क्या दिया हुआ है, तो रेफरेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है बी, दैट इज योर फ्रिक्शन पार्ट, डैम्पर है, दिस इज अ स्प्रिंग, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उसके साथ मास भी कनेक्टेड है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिया हुआ है। ओके, सो फोर्स मास के साथ कनेक्टेड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट विल डिसाइड द नोड, कि यहाँ कितने नोड है, एक ही नोड है, तो नोड हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब उसके साथ क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड है एक्स के साथ, तो मास कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है एंड के कनेक्टेड है, तो हमने एक्स के साथ के कनेक्ट कर दिया, एक्स के साथ मास कनेक्ट कर दिया और एक्स के साथ बी कनेक्ट कर दिया, एक्स के साथ एंड बाकी सारे रेफरेंस के साथ कनेक्ट। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, दैट इज अवर रेफरेंस। ओके, एंड ये सारे सारे एलिमेंट्स पे क्या लग रहा है, सो सारे एलिमेंट्स पे एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, सो फोर्स इज कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है, मींस योर स्टेप दैट इज दिस वन, ड्रॉ द मैकेनिकल नेटवर्क। ओके, ये मैकेनिकल नेटवर्क हमने जनरेट कर दिया, ये दिया हुआ था मैकेनिकल सिस्टम, तो उसमें से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ एक ही नोड है, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोड, कि ये सारे एग्जांपल आप सर्किट नेटवर्क में भी पढ़ते होंगे, कि भाई नोड पे से कैसे इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं। सो फॉर पर्टिकुलर एक्स वी
हैव अ एक ही नोड है तो एक ही इक्वेशन डिफाइंड होगा. ओके सो फोर्स का इक्वेशन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सारी सिंगल एलिमेंट ही दिए हुए हैं और एक ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी, तो बी एक ही डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्टेड है. अगर दो डिस्प्लेसमेंट होते तो दोनों के डिफरेंस आते एक्स वन माइनस एक्स टू होता, पर यहाँ एक ही डिस्प्लेसमेंट है तो बी डी एक्स बाई डी टी एंड देन बी एम के. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन चेंज होता है अकॉर्डिंगली द डिस्प्लेसमेंट एंड पैरामीटर गिवन. ओके मेनी पॉसिबल कि यहाँ दो फ्रिक्शन आ सकते हैं, दो स्प्रिंग आ सकती है, दो डिस्प्लेसमेंट भी आ सकते हैं, दो मास भी आ सकते हैं, वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे. ये सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए हमने कल लिया हुआ है. ओके नाउ अब हमारा काम है टेकिंग दी लाप्लास. अब हम लाप्लास ले लेंगे, क्यों फंक्शन को ट्रांसफर कर देंगे, क्यों हमें ये निकालना है डिफरेंशिएशन इजी बनाना है. ओके सो इसकी जगह हम क्या लेंगे, तो लाप्लास ऑफ एफ क्या होगा एफ एस देन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का क्या होता है एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स एक्स, तो मास कॉन्स्टेंट रहेगा मास कॉन्स्टेंट और इसकी जगह एक्स स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर एक्स एक्स. ओके सही प्लस बी कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट रहेगा और डी एक्स बाई डी टी का क्या होता है डी एक्स बाई डी टी का तो एस एक्स एस होता है तो एस एक्स एस प्लस के कॉन्स्टेंट है एंड कैपिटल एक्स एस. सो ये हो गया हमारा मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन. ओके अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी किसमें कन्वर्ट करना है फोर्स टू करंट एनालॉजी. तो लास्ट सेशन में हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिफाइंड कर दी है कि अगर मैकेनिकल सिस्टम में मास दिया हुआ है हमको उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मास की जगह हमें क्या रखना है फोर्स की जगह क्या करना है, तो फॉर फोर्स टू करंट एनालॉजी अगर फोर्स है तो उसकी जगह क्या लिखना है करंट, मास की जगह क्या लिखना है कैपेसिटर. ओके एस की जगह अच्छा डी की जगह क्या लिखना है अच्छा के की जगह क्या लिखना है के की जगह 1 अपॉन एल, बी की जगह क्या लिखना है 1 अपॉन आर और एक्स की जगह क्या लिखना है 5. ओके सो नाउ पुट क्योंकि अब हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में तो इसकी जगह हम सारे ये पैरामीटर रखेंगे मीन्स फोर्स की जगह करंट एम की जगह सी एक्स की जगह 5. ओके ये सारे तो ये आपको याद रखना है कि भाई फोर्स टू करंट एनालॉजी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या पैरामीटर कन्वर्ट हो गया. ओके तो एम की जगह सी लिख दिया एस तो वैसे ही रहेगा बी की जगह 1 अपॉन आर एक्स की जगह 5 के की जगह 1 अपॉन आर एंड 5 एक्स. ओके सो नाउ अब हमारे पास एक और इक्वेशन है V इक्वल टू बेसिक इक्वेशन V वोल्टेज पोटेंशियल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं V इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. V इक्वल टू क्या लिखते हैं हम डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं. अब इसका लाप्लास लेना हो क्या कर सकता हूं लाप्लास क्या होगा कैपिटल V S और डी फाइव बाई डी टी का क्या होता है S डी फाइव डी फाइव S. तो S फाइव S की जगह S फाइव S की जगह मैं डी एस लिख सकता हूं तो जहां एस आई एस लिख रहा है उसकी जगह में क्या लिखूंगा वी एस. तो आई एस वैसे के वैसा यहाँ एक एस में यहाँ ले लेता हूं तो एक एस यहाँ ले लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एस सी एस आई एस. तो एस आई एस की जगह क्या हो जाएगा वी एस. तो मैंने एस सी वैसे के वैसा और एस आई एस की जगह सही है देन 1 अपॉन आर तो 1 अपॉन आर कॉमन रहेगा बट एस फाइव एस की जगह क्या लिख दिया मैंने वी एस लिख दिया सही. अब फाइव एस की जगह यहाँ ले तो यहाँ फाइव एस इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव एस इक्वल टू वी एस अपॉन फाइव हो जाएगा अच्छा वी एस अपॉन एस हो जाएगा ये एस नीचे चला जाएगा तो फाइव एस की जगह आप वी एस अपॉन एस लिख सकते हो तो फाइव एस की जगह वी एस अपॉन एस लिखा. ओके सो ये हो गया हमारा करंट इक्वेशन इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट का इक्वेशन. अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये लाप्लास फॉर्म में है तो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एस निकल जाएगा और आई की जगह स्मॉल आई. अब एस
जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी तो कॉन्स्टेंट है तो सी कॉन्स्टेंट लिख दिया, और एस वी एस की जगह डीवी बाई डीटी लिखते हैं, देन वी एस की जगह स्मॉल वी, और आर तो कॉन्स्टेंट है अपना, और इसकी जगह क्या लिखते हैं ये वन अपॉन सॉरी एल एस, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, तो इसकी जगह लिखते हैं इंटीग्रेशन वी डी टी। ओके ये आगे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ओके जैसे हमने यहाँ इसमें से इसमें कन्वर्ट किया वही तरह हमने उल्टा किया इसमें से ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही चीज की है लाप्लास में से डिफरेंशियल फॉर्म भी करें। ओके अब ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का इक्वेशन, अब आपको इसको सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है करंट इक्वेशन, सो केवीएल है ऑब्वियस कि करंट है इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर सी है, करंट थ्रू रेजिस्टर एंड करंट थ्रू, और ये कब इक्वेशन इस तरह आएगा जब आपकी सर्किट इस तरह होगी। सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट करंट आई इक्वल टू सारे पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, तो सी पैरेलल में आर पैरेलल में इंडक्टर भी पैरेलल में, दिस इज माय वी टू एक लोड भी वोल्टेज। सो करंट का इक्वेशन है कि अगर मैं यहां केसीएल अप्लाई करूं तो क्या होगा, आई इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर, तो आई इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी, करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है सी डीवी बाई डीटी होता है, करंट थ्रू रेजिस्टर वी बाय आर, करंट थ्रू इंडक्टर वन अपॉन एल वी इंटीग्रेशन वी डीटी। ओके सो अब पता चला क्या है, हमने मैकेनिकल सिस्टम में से हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ओके एंड इलेक्ट्रिकल में भी पर्टिकुलरली फोर्स टू करंट एनालॉजी, देखो करंट सोर्स है हमारा वोल्टेज सोर्स नहीं, so it's a force to current analogy. Okay, so this is the basic mathematical equation or way to transform the one system to the another system, means mechanical में से हमने electrical system में convert कर दिया। Okay, so I think you have a clear with this कि भी mechanical में से electrical में किस तरह convert हो रहा है। Example काफी बार exam में आते हैं। Okay, ये आपको याद रखना है, ये खास याद रखना है, अगर ये नहीं पता होगा तो conversion possible नहीं है। So, ये खास आपको याद रखना है फोर्स टू वोल्टेज, बिकॉज ये फोर्स टू करंट एनालॉजी के लिए फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी के लिए इक्वेशन चेंज हो जाती है। ओके सो फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल लेकर पड़े, तो ये सिस्टम मैकेनिकल में काम करेगा वही इलेक्ट्रिकल में ये सिस्टम होगा। ओके सो आई थिंक वी हैव क्लियर विद दिस, सो हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन। ओके थैंक यू वेरी मच।